गाइस कैसे हो, क्या हाल है आप सभी लोग। तो देखो यार, सभी लोगों को पता है कि फाइटर मूवी जो होती है अपने को 26 तारीख को देखने को मिलने वाली है। बट यार आई एम सॉरी टू से, फाइटर मूवी से भी ज्यादा हाइप जो होती है बड़ी मियाँ छोटी मियाँ की बन रही है। कैसे बन रही है मुझे भी नहीं पता। लिटरली यार फाइटर का टीजर आ गया, फाइटर का ट्रेलर आ गया, एडवांस बुकिंग ओपन हो गई, फिर भी यहाँ पे जो है बड़ी मियाँ छोटी मियाँ की हाइप ज्यादा है फाइटर से। भाई कैसे, कोई आइडिया नहीं है, बिकॉज उसका तो यहाँ पे जो है कोई टीजर भी नहीं आया, कोई ट्रेलर भी नहीं आया अभी तक यहाँ पे, फिर भी इतनी बड़ी हाइप जो होती है बड़ी मैं छोटी मैं आगे यहाँ पे जो है बन रही है। और भाई सही बता रहा हूँ, ये मूवी जो है अगर हाइप के हिसाब से यहाँ पे जो है काम करती है, हाइप का अगर ये 50% भी कर गई ना गाइस, समझ लीजिएगा अक्षय कुमार एंड टाइगर श्रॉफ की सबसे बड़ी मूवी जो होती है वो यहाँ पे जो है आने वाली है। और अभी तो जो न्यूज निकल कर आ रही है उसी सुनोगे तो आप लोग यहाँ पे जो है और भी एक्साइटेड हो गए। तो प्लीज मेक श्योर इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अगर आप भी यहाँ पे जो है बड़ी मैं छोटी मैं के एक्साइटेड फैंस हो तो लाइक कर दो वीडियो को, ताकि दोस्तों ये वीडियो है सब लोगों तक पहुंच सके। ठीक है, चलिए बात करते हैं आप लोगों के सामने यहाँ पे जो है कि भाई अब क्या सीन निकल कर आ रहा है। तो बेसिकली यार पहले तो यहाँ पे जो है कोई आइडिया नहीं था इस चीज के बारे में मेरे को यहाँ पे, लेकिन अब ये सुनने में आया है कि जो बड़ी मियाँ छोटी मियाँ मूवी है उसका VFX यहाँ पे जो है DNEG कंपनी जो होती है वो यहाँ पे करने वाली है। भाई मुझे लगा कोई नॉर्मल कंपनी यहाँ पे जो है VFX कर देगी, अच्छा VFX होगा, बिकॉज ऐसा सुनने में आया था कि मोस्ट ऑफ दी जो एक्शन सीन्स है वो यहाँ पे जो है लाइक जमीन पे हो रहे हैं, लाइक रियल सेट जो होता है वहां पे हो रहे हैं। तो मुझे लगा नहीं था कि इतना VFX का यहाँ पे जो यूज होगा, बट ज्यादा VFX का यूज भी हो रहा है। एंड गाइस DNEG कंपनी यहाँ पे जो है इसको यहाँ पे जो है कंप्लीट तरीके से बनाने में मदद कर रही है। DNEG भाई 7 बार ऑस्कर जीत चुकी है, ड्यून जैसी मूवी में काम कर चुकी है, लास्ट ऑफ अस जैसी सीरीज के अंदर काम कर चुकी है, वो कंपनी बड़े मियाँ छोटे मियाँ की यहाँ पे जो है इस पूरी मूवी के अंदर यहाँ पे काम कर रही है। तो सोच सकते हो VFX तो यहाँ पे जो है टॉप नॉच का यहाँ पे होने वाला है। और यही नहीं, अभी तो मेरे को यहाँ पे जो है सेकंड न्यूज और सुनने में आया कि एक पोस्टर काइंड ऑफ एक फोटो जो है बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें सुनने में आया कि जो विलन है हमारे मियाँ छोटी मियाँ मूवी के पृथ्वीराज सुकुमारन, वो अपने यहाँ पे जो है रोबोटिक आर्मी बनाएंगे। एंड गाइस जो दोनों हमारे हीरोज हैं वो यहाँ पे जो है रोबोटिक आर्मी जो होती है उससे यहाँ पे फाइट करेंगे। मतलब पृथ्वीराज सुकुमारन यहाँ पे जो है रोबोटिक आर्मी बनाने वाले हैं। एंड गाइस रोबोटिक आर्मी से यहाँ पे जो है क्लाइमैक्स अपने को यहाँ पे दिखाया जाएगा। बहुत सारी चीजें निकल कर आ रही है यार, अभी तो लिटरली यार आप लोगों को पता है जो भी बड़े बड़े मूवी क्रिटिक्स होते हैं उन लोगों ने यहाँ पे जो है टीजर को देख लिया है, उन्होंने अपना रिव्यूज भी दे दिए हैं। कल वाली वीडियो मैंने आप लोगों को बताया था उनको लगता है कि भाई अभी तक का बेस्ट डुओ जो होता है वो यहाँ पे जो आने वाला है, बिकॉज दोनों के दोनों यहाँ पे जो है बड़े एक्शन स्टार्स हैं, दोनों को यहाँ पे जो है फाइटिंग एंड ऑल काइंड ऑफ थिंग्स आती है। बिकॉज आप लोगों को पता है अक्षय कुमार तो कब से यहाँ पे जो एक्शन करते हुए आ रहे हैं, टाइगर श्रॉफ तो जस्ट अभी यहाँ पे जो आए हैं। ठीक है, दोनों को यहाँ पे जो है काफी अच्छे से रिव्यूज भी मिल चुके हैं टीजर को। 24 तारीख को यहाँ पे जो है टीजर आने वाला है, सभी लोग यहाँ पे जो एक्साइटेड है। मुझे लगता है कि यूट्यूब यहाँ पे जो है हैंग होने वाला है लिटरली गाइस। आई थिंक जो कि पूजा एंटरटेनमेंट के ऊपर अपने को यहाँ पे जो है देखने को मिलेगा ये पूरा का पूरा टीजर। गाइस जैसे ही आए फटाफट से लाइक कर दीजिएगा, यूट्यूब हैंग कर दीजिएगा, बिकॉज गाइस ये सारे के सारे रिकॉर्ड यहाँ पे जो है तोड़ देगा। आप लोग क्या इसके लिए एक्साइटेड हो कि नहीं, मुझे कमेंट करके बताओ। इस तरीके और कमाल की वीडियोस के लिए फटाफट जाओ, फटाफट जाके सब्सक्राइब कर लो।